नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ कॉमन कोजीज ऑफ टूल एक्सीडेंट यानी कि टूल एक्सीडेंट के अंदर क्या क्या कॉमन कॉज हो सकता है क्या क्या रीजन हो सकता है उसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ पोस्ट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्सेज सब्जेक्ट कोड 102 सेफ्टी इंजीनियरिंग उसमें क्वेश्चन कुछ इस टाइप का हो सकता है वॉट आर कॉमन कोजेज ऑफ टूल एक्सीडेंट यानी कि यहाँ पे कॉमन कोजेज क्या क्या हो सकता है टूल एक्सीडेंट के लिए उसी के बारे में हमें जवाब देना रहता है एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्सेज हो या डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्सेज हो उसी के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है द कोजेज एंड इफेक्ट ऑफ हैंड टूल्स एक्सीडेंट आर आई इंजुरी ड्यू टू फ्लाइंग ए चीप फ्रॉम टूल्स पंक्चर वाउंड एंड इन्फेक्शंस, कट इंजुरी ड्यू टू नीज चीजल्स एंड हैमर्स बोन फंक्चर्स ड्यू टू डिफेक्टिव और स्लीपिंग रेंचिज एंड क्रेचिज ड्यू टू स्क्रैप एटसेट्रा यानी कि यहाँ पे हैंड टूल एक्सीडेंट जो है हैंड टूल जब आप यूज कर रहे हैं उसकी इफेक्ट जो है आपको एक्सीडेंट होने के कारण आई के अंदर इंजुरी हो सकता है और जो चीप फ्लाइंग होती है उसकी वजह से जो टूल रहता है उसमें से अगर आपको आँख में भी गिरने का चांसेस रहता है पंक्चर हो सकता है इन्फेक्शन हो सकता है कट इंजरी हो सकता है और हेमर है या चीजल है या आपका बोन जो है फ्रैक्चर होने का चांसेस भी रहता है और कोई स्लीपिंग रेंचिस है तो वो हाथ से फिसलने का भी संभव रहता है और स्क्रैप अगर आप हटा रहे हैं तो वहाँ पे स्क्रेचिज़ भी हाथ के अंदर या पैर के अंदर होने का चांसेस रहता है अलग अलग कॉमन इंजरी टूल के जरिए आपको हो सकता है इस टाइप का टूल एक्सीडेंट कॉमन जो सभी चीज़ें है ये इसकी वजह से आपको टूल एक्सीडेंट हो सकता है कटिंग ऑफ फिंगर यानी कि यहाँ पे उंगली का कट होना टेंडोन्स एंड आर्टरीज कंट्यूजन एट्सेट्रा पुअर मैंटेनेंस इन करेक्ट टूल रोंग यूज केसनेस बेड स्टोरेज एंड पुअर मटेरियल आर मेन कॉज ऑफ़ टूल एक्सीडेंट यानी कि मेन कॉज जो टूल एक्सीडेंट का है उसी में अगर काउंट किया जाए तो टूल जो रहता है उसी का आपने मैंटेनेंस पुअर किया है यानी कि प्रॉपर नहीं किया है या तो किया ही नहीं है उसका कंडीशन सही नहीं है तो उसकी वजह से कॉमन कॉज वो बन जाता है कि टूल एक्सीडेंट हो जाता है इनकरेक्ट टूल आप सिलेक्ट करते हैं रॉन्ग यूज कर रहे हैं केयरलेसनेस में यूज़ कर रहे हैं बेड स्टोरेज आपका हुआ है और पुअर मटेरियल है या तो आपका जो मटेरियल टूल जो रहता है उसका मटेरियल जो है वो पुअर हो सकता है ख़राब हो सकता है उसी की वजह से ये सभी मेन कोजेस जो है वो टूल एक्सीडेंट के लिए हो सकता है फ्यू बेसिक कोजेस ऑफ टूल एक्सीडेंट यानी कि कुछ यहाँ पे टूल एक्सीडेंट का कारण दिया गया है उसी में फर्स्ट ऑफ ऑल देखे तो परचेज ऑफ इन्फीरियोर टूल्स विच ब्रेक ड्यूरिंग यूज सेकेंड वन इन करेक्ट चॉइस ऑफ टूल यानी कि आपने सही टूल्स को यूज ही नहीं किया है उसकी वजह से भी आपको टूल एक्सीडेंट हो सकता है थर्ड वन इज़ यूजिंग ए वन आउट टूल्स यानी कि वन आउट टूल हो गया है उसका यूटिलाइज कर रहे हैं आप फोर्थ वन इज़ इनकरेक्ट यूज ऑफ टूल्स यानी कि आपने करेक्ट टूल को ही सिलेक्ट नहीं किया है और कुछ टूल्स जो रहता है उसी के अंदर गार्ड नहीं है और आप यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो भी उसकी वजह से भी टूल एक्सीडेंट हो सकता है थैंक यू दोस्तों